अब आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कैसा रहा आप लोग का सफ़र? अच्छा लगा? तो कैसा लग रहा पाकिस्तान आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, चलें इंजॉय कीजिएगा। आज मैं आया हुआ हूँ द ग्रेटर इकबाल पार्क अपनी फैमिली के साथ। मीनार पाकिस्तान है यहाँ पे और बादशाह मस्जिद, शाही किला वगैरह। खैर पॉइंट इज़ ये जो व्लॉग है काफ़ी लेट आया है, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं और अब मेरा दोस्त इफ्तिखार अंदरून शहर और पुराना दोस्त का एपिसोड 2 रिकॉर्ड करने निकले वज़ीर ख़ान मस्जिद। हमने शाही इमाम भी देखा, हमने बहुत कुछ देखा। इट वाज फन ब्लॉग एंड एवरीथिंग, आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग, आई एडिटेड एवरीथिंग, बट हुआ कुछ यूं कि नज़र लग गई, मेरी हार्ड ड्राइव उड़ गई लैपटॉप की। गिरा रे चटपटा, गिरा रे मसाले वाले, मसाले वाले। इफ यू आर अ लाहौरी एंड यू हैवंट ट्राइड दीस, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट अ लाहौरी। भाइयों ये है गुरुद्वारा लाहौर का और यहाँ पे आवाम हर साल आती है, जिस तरह मुसलमान हज करने जाते हैं सऊदी अरब, इस तरह सिख आते हैं यहाँ पे पिलग्रिमेज करने हर साल। इन लोगों ने मेरा ट्राईपॉड ले लिया, मैं अंदर आ रहा था, कहते हैं ट्राईपॉड नहीं लेके जाना। आई लव द फैक्ट कि सिख में जहाँ पे खड़ा हूँ 200-300 साल पहले भी ये जगह इसी तरह थी। मतलब आई नो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन इसी तरह शायद हमारे जैसे लोग हों, क्या पता कोई व्लॉगर भी होता उस ज़माने का, शायद यहाँ पे अपना बॉय शाहजान घूमा करता था। ये कौन सी जगह है? बादशाह की अदालत। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे बादशाह के फैसले किया था। अच्छा, ये यहाँ पे बैठता था ये? जी बिल्कुल सही हो गया। रिटन मैसेजेस ऑन द वॉल, एक बंदे ने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है, इट्स द ब्रेक थ्रू ऑफ द सेंचुरी। अरसलान प्लस फाइक इज इक्वल टू ईमान प्लस हाजरा। मतलब हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? व्हाट द फक मैन, लव इज डेड, लव इज टाइम पास। नो यू आर रॉन्ग, लव इज लाइफ, my love is time। love is life and bhaag nahi gayi isi life। aur ye mera number bhi likha hai yahan pe, Mubashir Qureshi, call me xoxo। jokes apart, this is a tough thing to do to a 200 year old place, man, actually 300 year old। yaar ये मार्बल है यार, इतना प्यारा अच्छा मार्बल है यार, सारा मार्बल गंदा किया है कुत्ते के बच्चे ने। इस गुरुद्वारे में जाना अलाउ नहीं होता किसी को भी, बट मैंने जुगाड़ लगाया है, मेरे जल्दी आओ, तुम जा रहे हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाई एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ गुरुद्वारा,
For those of you जिन्होंने आज तक नहीं देखा, I present you a गुरुद्वारा. आओ चेक करें क्या है. मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे जूते पहन के जाना अलाउ नहीं है. प्रीटी नॉर्मल जिस तरह हमारी मस्जिदों में होता है. यप, अच्छे अंकल लग रहे हैं शक्ल से. सर हमने ढांप लिया, आ रहा हूँ. ये वो वाइट चीज़ है जो वो सर पे लगाते हैं उनके, माशाल्लाह बहुत प्यारी है. गुड स्टफ. तो ये था हमारा 5 मिनट का सिख बनने का एक्सपीरियंस. लव द डाइवर्सिटी यार. तो आप लोग वाघा बॉर्डर से भी आए हैं? जी जी. कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा? बहुत बढ़िया. सही. अभी अभी मतलब आप पहली दफ़ा हो इधर? जी मैं इधर पहली बार. आपको कैसा लगा पहले आप बताएं? जब इंडियन नहीं, इंडियन जब आते हैं जी जी यहाँ घूमने के लिए जी, यहाँ जब यहाँ जत्था आता है, पहली दफ़ा आए हो? जी मैं पहली बार आया हूँ. कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं. कैसा रहा आप लोग का सफ़र? अच्छा लगा? कैसा लग रहा पाकिस्तान आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. चलें इंजॉय कीजिएगा. मैं 20 दफ़ा से ज़्यादा बार आ चुका हूँ इंडिया. अच्छा. और ये भी 20 दफ़ा से ज़्यादा बार आ चुके हैं ये भी. अच्छा. इधर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसी गुरुद्वारे में? इसी गुरुद्वारे में. अच्छा. तो ज़िंदगी में पहली बार आज मैंने किसी इंडियन से आज जाके बात की है और मज़ा आया है. स्टूडेंट्स आज तक मूवीज़ में मैंने इंडियंस देखे हैं, तो इट वॉज गुड टू फाइनली यू नो कम्युनिकेट. So we're out of this Gurdwara. It was really good meeting Indians and Hindus coming to Pakistan. मुझे actually I embarrassed myself. मैं उनको जाके बोल रहा था कि आपको कैसा लगा कैसा लगा, और पता चला कि वो 10 साल से हर साल आ रहे हैं पाकिस्तान. मुझे नहीं पता था कि यार अपना मतलब न्यूज़ में तो हर वक्त गंदी बातें सुनते हैं, बट अच्छा सीन भी है. गुड स्टफ. खैर बैक टू एक्सप्लोरिंग. मेरे सामने इस वक्त मीनार पाकिस्तान आपको मैं दिखाने लगा हूँ. सेवेंटी एट ईयर्स अगो अपने बॉय कायदे आज़म ने यहाँ पे बात की थी कि पाकिस्तान बनेगा, एंड हियर वी आर. जी जी कायद जी जी.